इसी के साथ उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर एसडीएम आपको बता दें कि कौस्तम मिश्र ने खनन उप निर्देशक दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आवंटित खनन पट्टों पर छापेमारी की है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से खनन के कार्य से जुड़े लोगों में हड़कंप भी मच गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो एसडीएम है उन्होंने ये बताया है कि कुछ जगह पर अनियमितता पाई गई है। हालांकि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी इस दौरान की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए अभी तक कुछ वाहन पकड़े गए हैं और ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी मिट्टी की अनुमतियां हुई हैं या जो भी अभी अनुमति हुई है उसमें नियमानुसार रवन्ने के आधार पर चलें, इसके लिए एक औचक निरीक्षण किया जा रहा है। और यहाँ पे टीमों को लगाया गया है कि जो भी वाहन गुजरे उनकी रॉयल्टी इत्यादि को पूरी तरीके से गहनता से चेक करें ताकि किसी भी प्रकार का अवैधानिक कृत्य ना हो पाए। उसी क्रम में आज उपनिदेशक खनन जिले से यहाँ पे जिले से माइनिंग की टीम आई है और प्रशासन की टीम भी उसके साथ दोनों स्थलों पर जहाँ से भी इस तरीके के वाहन गुजर रहे हैं रॉयल्टी चेकिंग अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जगह इस तरीके के सघन अभियान चलाए जाए।